मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ग्रामीण अंचल में शैक्षणिक व्यवस्था का बुरा हाल ही गोरिया जनपद पंचायत अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लोधीन पूर्वा में विगत 13 सितंबर 2024 को गांव के मदन राजपूत ने शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर महिला शिक्षिका अनीता निगम से बदसुलूकी की थी। मामले की शिकायत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और गोरिहार थाना प्रभारी को करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित शिक्षिका आज जनसुन सुनवाई कार्यालय छतरपुर पहुंची, जहां पीड़ित शिक्षिका अनीता निगम ने अपनी फरियादी जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार को सुनाई। शिक्षिका ने बताया कि लोधीन पूर्वा में मेरे अलावा शिक्षक ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया पदस्थ हैं, लेकिन विगत एक वर्ष से एसडीएम कार्यालय गोरिहार में अटैच है। वह अकेले शैक्षणिक कार्य देखती है। विगत 13 सितंबर को गाँव के मदन राजपूत ने शराब के नशे में स्कूल आकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर मेरे द्वारा एसडीएम कार्यालय एवं शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षिका ने कहा कि उसका स्थानांतरण किसी अन्य शाला में किया जाए। फिलहाल पूरे मामले में जिला सीईओ तपस्या परिहार ने डीपीसी अरुण शंकर पांडे को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वही सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोधीन पूर्वा प्राथमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों का क्या कसूर है जो उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका और आज आप जन सुनवाई में क्यों आई हैं? सर, मैं श्रीमती अनीता देवी निगम शासकीय प्राथमिक शाला लोधीन पूर्वा में पदस्थ हूँ। मेरे साथ में दूसरे शिक्षक हैं, ब्रजेंद्र भदौरिया, एसडीएम कार्यालय में मुक्त हैं, वो एक साल से वहाँ अटैच हैं। मैं अकेले महिला वहाँ जाती हूँ, समय से अपना कार्य करती हूँ, मगर मुझे वहाँ गांव के कुछ लोग हैं जो मुझे शराब पीकर आके परेशान करते हैं और मुझे मारने की धमकी देते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। अकेले वहाँ जाना नहीं चाहती, मुझे किसी दूसरे शिक्षक को अटैच किया जाए और मुझे वहाँ से हटाकर मुझे किसी शाला में अटैच कर दिया जाए, जिससे मैं अपना वहाँ पढ़ाऊँ और अपना शिक्षण कार्य करूँ। मुझे वहाँ जान का खतरा है। क्या दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? सर, यहाँ के सब वरिष्ठ कार्यालय जहाँ मैंने जहाँ जहाँ आवेदन दिया है, सबको यही कहता है कि तुम वहाँ जाओ और अपना संस्था खोलो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं आपको होगी। लिखित में कोई नहीं दे रहा, हमने कह भी दिया है कि आप लिखित में दीजिए, मेरी जिम्मेदारी लीजिए, मेरी सुरक्षा कीजिए, मगर कोई मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बस मेरे पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम जाओ और वहाँ शिक्षण कार्य करो, शाला बंद नहीं होनी चाहिए। अब मेरी मैं यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ भी मैं आई हूँ, वहाँ भी आवेदन दिया, वहाँ से भी मुझे कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। यही कहते हैं सब कि आप वहाँ शाला में जाओ और वहाँ कार्य करो। शिक्षक ब्रजेंद्र सिंह को अटैच किया गया है लंबे समय से, क्यों नहीं हटाया जा रहा है? सर, वो दूसरे शिक्षक को हमने ये भी कहा कि उसको नहीं जैसे मुक्त कर रहे हैं साहब एडीएम साहब, तो हमें दूसरे शिक्षक को भेज दिया जाए सहयोगी बनाकर, मुझे कुछ सहूलियत मिलेगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, अकेले मीटिंग भी करती हूँ, जानकारियाँ भी देती हूँ, तो वहाँ जैसे शाला बंद करके मैं मीटिंग करने जाती हूँ, शिक्षा लेने भी जाती हूँ, तो वहाँ के लोग गांव कहते हैं कि ये शाला क्यों बंद हो जाती है। सर, हम किसको किसको समझाएं कि हमारा काम है, हमें संकुल भी जाना है, डीआरसी भी जाना है, हमें काम है इतना सास के गाँव वालों को कौन समझाए। वो यही कहते हैं कि शाला बंद नहीं होनी चाहिए। बताइए, हम अकेली महिला क्या कर सकते हैं, इसलिए हमने सर। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, अपराधी को पकड़ा नहीं? कार्रवाई क्या, वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस भेजी है, भाग गया है, उसको अरेस्ट अभी तक किया नहीं गया, हमने कहा भी उसको अरेस्ट। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।